ओम श्री गणेशाय नमः आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में राहु ग्रह से क्या क्या परेशानी होती है राहु ग्रह कौन सी राशि में के होते हैं कौन सी राशि में नीच के होते हैं राहु ग्रह के विशेष उपाय क्या है सर्वप्रथम बात करते हैं राहु ग्रह पाप ग्रह है जो कि मनुष्य को बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं राहु ग्रह अब बात करेंगे राहु ग्रह मिथु राशि में उच्च के होते हैं धनु राशि में नीच के होते हैं अगर आपकी जन्म पत्रिका में तीन अंक में राहु बैठे हैं तो आपके राहु उच्च के हैं आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे वहीं बात करेंगे धनु राशि नौ अंक में राहु बैठे तो नीच राशि में बहुत ज़्यादा कष्ट देंगे आपको तो इसलिए इस बात को जरूर करें यहाँ वीडियो पूरी देखिए आपको अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब जरूर करना अब बात करेंगे मैंने यहाँ बना रखा है आपकी जन्म पत्रिका में इस तरीके से होंगे बारह खाने यानी कि बारह घर तो यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा चाहे आपके जन्म पत्रिका में एक लिखा है चाहे दो लिखा है चाहे पाँच चाहे दस चाहे बारह लिखा हो रहेगा पहला ही घर तो पहला घर इसको बोलते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ठीक है वही बात करेंगे आपके जन्म पत्रिका में राहु यहाँ बैठे हैं चाहे यहाँ बैठे 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 और अंक तीन अंक है तब भी आपको कष्ट देंगे क्योंकि लगन में बैठे पंचम भाव में बैठे सप्तम भाव में राहु बैठे राहु क्या है पाप ग्रह अष्टम भाव में राहु बैठे भागेश भाव में नौ घर में राहु बैठे या यहाँ बैठे राहु बारहवें घर में ठीक है तो आपको तब भी कष्ट देंगे वहीं बात करेंगे राहु अगर धनु धनुराश में बैठे यहाँ या, यहाँ पर नौ लिखा है ठीक है यहाँ पर नौ लिखा है चाहे नौ यहाँ पे लिखा है चाहे नौ यहाँ पे लिखा है राहू बैठे है यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पर तो नीच राशि में बैठे मैंने यहाँ पे बताया ना राहू नीच के हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कष्ट देंगे आपको यहाँ अगर राहू बैठे है तो दिमाग संबंधित परेशानी आएगी मनुष्य यहाँ तक कि पागल हो जाता है ठीक है तो बहुत ज़्यादा कष्ट मिलते हैं रुकावटें मिलते हैं मेहनत करते रहे तो आप पर रुकावटें आते रहते हैं ठीक है वहीं बात करेंगे राहु यहाँ पंचम भाव में बैठे है तो पढ़ाई क्षेत्र में भी परेशानी आती है राहु नीच राशि में बैठे नौ अंक लिखा है यहाँ पर तो क्या होगा आपकी पढ़ाई पहले ही छूट जाती है मुश्किल से आप हाई स्कूल या इंटर करोगे उससे आगे आप पढ़ते नहीं हो ठीक है वहीं यहाँ पर नौ लिखा होगा राहु बैठे है तो विवाह संबंध क्षेत्र में भी परेशानी आएगी मैंने यहाँ लिखा है विवाह क्षेत्र में भी परेशानी आएगी कितने भी मेहनत कर ले तो कितने भी आबिदा दौड़ा भागी कर रहे हो फिर भी शादी में रुकावटें आती है वहीं बात करेंगे हम राहु यहाँ बैठे अष्टम भाव ठीक है मृत्यु का घर बताया ऐसे तो यहाँ राहु बैठे है अन्य अंक में बैठे है तो दुर्घटना चोट लगती रहती है मनुष्य को वहीं भाग्य स्थान में बनो घर में यहाँ राहु बैठे है तब भी आपका भाग्य रुकावट करेंगे आपका भाग्य कितने भी आप मेहनत कर लो कहीं ना कहीं रुकावटें सामने आएगी वहीं राव यहाँ बैठे तो बहुत ज़्यादा खर्च कराएँगे फालतू तो खर्च ठीक है तो इस तरीके से चाहे राव यहाँ बैठे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर तो विशेष रूप से अगर राहु की महादशा से तो आप ऊपरी हवा लग जाती है जैसे हम भूत बोलते हैं ऊपरी हवा लग जाती है आप कितने भी दवाई अब यहाँ पे जैसे यहाँ बैठे हैं पंचम भाव में राहु बैठे है, है अंक यह होगा नीच तो यहाँ पेट संबंधित परेशानी हो जाती है ठीक है पेट संबंधित परेशानी हो जाती है पेट में मतलब ऑपरेशन कराते ही कराते हैं अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं दोगे तो सौ प्रतिशत ऑपरेशन का नौबत आ जाते हैं चाहे पथरी हो चाहे कुछ भी हो तो आपने विशेष उपाय जरूर करना है ठीक है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है विशेष उपाय क्या है आपने उपाय करने अच्छे कर्म करने हैं माता पिताजी की सेवा करने, आशीर्वाद प्राप्त करना है माता पिता भगवान से भी बड़े माने गए ठीक है माता की सेवा करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होते हैं आपका मन स्थिर रहेगा पिताजी की सेवा करने से सूर्य ग्रह मजबूत रहेंगे ठीक है प्रकाश मिलेगा सूर्य क्या है प्रकाश तो आपको प्रकाश में अंधकार दूर होगा ठीक है और आशीर्वाद प्राप्त करने से सारे ग्रह मजबूत होते हैं ठीक है माँ माँ सरस्वती की जी पूजा करें क्योंकि राहु क्या है भ्रमित ग्रह तो कर राहु चाहे यहाँ बैठे हो चाहे यहाँ पे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है तो भ्रमित कर देता है मनुष्य को आदमी मैंने घूम भ्रमित बहुत ज़्यादा होता है तो माँ सरस्वती की पूजा करने से राहु ग्रह मजबूत होते हैं आदमी भ्रमित नहीं होते ठीक है ब्राह्मण का आदर सम्मान करें उनकी सेवा करें उससे भी बृहस्पति मजबूत होंगे तो आपकी रक्षा होगी और राहु ग्रह भी आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देंगे वैसे ही पीपल की पीपल में जल चढ़ाए उससे भी पीपल में वृक्ष जल चढ़ाने से आपके समझ देवी देवता की कृपा बनी रहती तो पीपल क्या है वृक्ष है पीपल क्या है प्रकृति का अंग है पीपल में समझ देवी देवता निवास करते हैं अब वृक्ष क्या है जो मनुष्य को हवा देते पानी देते छाई देते तो इनकी सेवा जरूर करना है पीपल की कुत्ते को रोटी गुड़ खिलाना हो सकता है तो सरसों का तेल भी लगाना है रोटी में राहो ग्रह का दान करे जाप करे राहो ग्रह का जाप जरूर करें ओम राहवे नमः ओम का उच्चारण मात्र लगा दोगे आप तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त ओम राहवे नमः इस तरीके से छोटा सा मंत्र भी आप जाप सकते हो जाप कर सकते हो ठीक है दान जरूर करे दान कैसे थे कि ठंडों का समय आ रहा है तो गरीब लोगों को जरूरतमंद को कंबल दान करें काला कंबल ठीक है आप अन्न भी दान कर सकते हो काला वस्त्र भी दान कर सकते हो काला कंबल भी दान कर सकते हो जितना आपसे हो सकता है वहीं बात करेंगे सूर्य ग्रह को सूर्य सूर्य देवता को जल चढ़ाए उससे क्या होगा प्रकाश रहेगा अंधकार दूर होगा तो आप इस तरीके से आप थोड़ा सा भी आप उपाय करेंगे इस तरीके से तो आपको ज़्यादा कष्ट नहीं आएगा धीरे धीरे आपके रास्ते खुलेंगे अपने इष्टकुल देवता का ध्यान जरूर करें आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना